95 प्लस का इनकम है और फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, कार फंड अचीवर है, डायमंड डायरेक्टर का हमारा लेबर विदेश यात्रा पे गए, तब उनको फेथ आया कि कुछ है। उन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब को छोड़ के और मेरे साथ अपना बेस्टी ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी अपनी और मेरे साथ क्या किया, बेस्टी ज्वाइन। आज दोनों मिलके कर रहे हैं और बहुत प्यारी सी इनकम यहाँ से ले रहे। और एक प्लस पॉइंट और, पहले मैं इतनी ना मतलब बोलती तो थी लेकिन इतनी धड़ाके से नहीं बोलती थी, तो वो पावर मुझे मिली है इस लेडीज क्लब से। पहनना ओढ़ना, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे तमीज वाले कपड़े पहने, पहले वी गले गोल गले हम कुछ भी पहन के निकल जाते थे। नहीं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, हमें नहीं पता होता, हम चले जाते प्लान दिखाते, सामने वालों की नजर यहाँ पे होती है। तब चंचल मैम ने सिखाया कि हमेशा जब भी हम कहीं जाए तो छोटे गले होने चाहिए। तब से मैंने जब से गोल गले छोटे गले पहने पड़े सारे, किसी की हिम्मत नहीं होते वो इधर उधर देखे, सीधा प्लान पे फोकस होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है, कभी भी कोई चीज मजाक में भी नहीं लेना, सीएच में लेना। जेंट्स हर तरह के मिलेंगे, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन आपका देखने का तरीका जो वो फोल्डर पे नहीं देखते ना, वो यहाँ देखते हैं। जब आपका गला छोटा हो गया तो आप यूं कहोगे हाँ समझ आया, पूछ लो फिर देखो कैसे बिजनेस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी करौन डायरेक्टर हूँ, दो बार मैम जैसे बता रहे थे इशार क्रूज जाके आई, थाईलैंड बैंकॉक घूम के आई, और मैं अकेले नहीं आई, मेरे साथ मेरे डाउनलाइन भी आए थे तीन लोग। तो वैसे मैं अभी का हेल्थ भी अभी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ ना? आज जो हमारी इनकम मिलती है, साथ इनकम ले रही हूँ, कार फंड से पैसा मेरे पास है जमा हुआ है, पर मैं कार नहीं ली हूँ क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, तो मैं बस में मेट्रो में जाती ताकि लोग मुझे मिले और मेरे साथ उनको वेस्टेज में ले आऊंगी। तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इतना मैं बोलती नहीं थी, शुरू आती थी मेरा गोला सर चंद्र बोले कि चंचल में हूँ, हमारा आप नहीं, उनका लेडीज क्लब चलता है, आप वहाँ जाके बैठो। हम नहीं, वहाँ बहुत सारे लेडीज लोग आएंगे, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे बोले मुझे भेजिए आगे। मैं सबसे पीछे बैठती थी, बोलती थी मन बोलती चंचल मुझे मत देख ले, मैं तुझे कुछ बोलने बोलेगी तो मैं क्या बोलूँ। फिर भी कभी कभी चंचल मुझे देख लेते थे, फिर मैं पत्थर काटती थी, मैं बोलती नहीं थी। लेकिन आज मैं थैंक यू मैम सो मच, आपकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ तक पहुंची और जो भी लेडीज कलर मैं सीखती हूँ उसी को मैं अप्लाई करती हूँ और आप लोग का बात सुनती हूँ। और मैं दोस्तों अकेले काम करती हूँ और आप लोग सारे लेडीज हैं, लेडीज को मुश्किल आती है पर मैम का बताया हुआ चलेंगे ना तो मुश्किल ऐसे ऐसे भर जाती है। तो देखिए आज मैं कितनी बोल सकती हूँ, तो आप लोग भी बोलिएगा। और थैंक यू सो मच, हमें बहुत कुछ सीखना है आज के लिए। नहीं और हाउस वाइफ का टैग हम लोगों से कोई नहीं छीन सकता, हाउस वाइफ ही हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ रहूंगी। लेकिन वेस्टीज ने बनाया हाउस वाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन। तो कैसे, इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड, हमने 5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी, इससे पहले मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का बिजनेस था। लगभग 2013-14 में प्रॉपर्टी आप सबको पता है बहुत क्रैश कर गई थी, तो हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि हमारे पास पैसा लगाने को था नहीं कि ट्रेडिशनल बिजनेस करें। और जॉब अगर हम करते भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिंपल ग्रेजुएट है, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ और मैंने एमए की हुई है सोशियोलॉजी से, अगर हम दोनों मिलके भी जॉब करते तो शायद आज 50-60 हज़ार से ज्यादा की सैलरी हम लोग नहीं ले पाते। लेकिन सपने बहुत बड़े थे तो इसलिए वेस्टीज की शुरुआत करी। तो हमें मिले मिस्टर सतपाल अदाना जी, जिन्होंने हमें वेस्टीज के बारे में बताया और पता चला यहाँ बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमें लगा ये तो हमारे काम का बिजनेस है, क्योंकि इसके अलावा कोई और बिजनेस तो हम लोग, हमें समझ आ नहीं रहा था, पैसा लगाना था पैसा था नहीं। तो हमने शुरुआत करी, हमने दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलके और करते रहे। जब हमें पता चला तो हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों 18 प्लस हैं, बेटा 24 साल का है, एक बेटी 22 साल की और एक बेटी 18 साल की है। तो हमें लगा था कि 3 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, पहले महीने का चेक आया हमारा 751 रुपए का, जिसके पास कोई भी इनकम ना हो, कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो, और पहले महीने का चेक आया 751 रुपए का, 3 बच्चों का खर्चा आप जा सकते हैं पूरे महीने का कितना होता होगा। हमें चाहिए था लगभग 1 लाख रुपए महीने का खर्चा, लेकिन हमें बताया गया था कि भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है ना, यानी ज्यादा सुनो लेकिन सुनो तो सही, अगर कोई बात अच्छी लगे 1 कान से सुनो और अपने अंदर रख लो, अगर कोई बात नेगेटिव लगे या बुरी लगे तो 1 कान से सुन के दूसरे ये
फरीदा खान है। पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे 9 साल से। उनको कुछ डाइज में परेशानी थी तो स्टीच ड्राइंग किए थे। 18 लाख प्लस का चेक हाईएस्ट चेक था वहाँ। और अचीवर की बात, अचीवमेंट की बात करूँ तो 2 गाड़ी हमसे परचेज किए हैं, एक घर हम 70 लाख में लिए हैं। और अब उनके न रहते वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे यहाँ एक दिन भी मतलब पर मन चेक वहाँ से रिफंड हो, सॉरी पैसे आते हैं। वेस्टीज ऐसा होता है कि दीपक सर खुद हमारे जेठ हैं महान भाई, हमारे में 4 महीने 10 दिन लेडीज घर से नहीं निकलती हैं। तो उनके पास उनका फोन आया और वो खुद सब कुछ किए। एक एक ये ऐसा रूप है कि हमें कहीं भटकना नहीं पड़ा, नहीं तो बैंक के काम या और सारे काम अभी भी प्रोसेस में हैं। हमारे बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि ऐसा हो गया है, फिर वो तो अभी भी पूरा हो सकता है। मेरी बेटी नायला आगे बढ़ के मीटिंग शुरू करी, जब वहां से चेक आता है तो मैं आज तक मैं किसी भी नहीं देखी हूँ, कभी भी नहीं देखी हूँ कि कितना आया है गाँव में, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बिना काम किए जो पैसे आते हैं। मुझसे कहने लगी मम्मी इतने का चेक आया, आज से 2 महीने पहले की बात है, मेरी बेटा मुझे मत बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि वहां से भेज रही हूँ। उसके बाद ही यहाँ पे मीटिंग था, मेरे राम भाई को फोन की कि भाई मैं मुझे जाना है, तो कहे ठीक है चलोगी, मैं कहीं हाँ 2 दिन बाद वहाँ पे था। फिर वहाँ पे गई मैं, संजय सर की मीटिंग थी, वहाँ से आने बाद भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि निकलूँ, क्योंकि मैं बहुत शाय नेचर की थी। मैं छोटी थी जब मेरे पापा का रह गया था, तब से मैं अंदर ही रहती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। यहाँ तक कि मैं नेपाल की हूँ, शायद मेरे रिलेटिव में भी मुझे कोई नहीं पहचानते थे। जब मेरी शादी थी तो कहते थे वो भी पप्पू की कोई बहन है, मेरे भाई को मुझसे बड़े थे, मतलब इतना मैं सही नहीं चलती थी, कहीं नहीं जाती थी। शादी के बाद भी मैं ऐसी रहती थी, बहुत कम मिलना जुलना होता था। इसीलिए ऐसे इंसान के साथ भी रहकर मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं बाहर निकलूंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। मेरी कोई ड्रीम नहीं थी कि जैसे कपड़े का है, जेवर का है, घूमने का, कभी भी नहीं, कोई दिमाग नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश रहती थी। एकदम से जब ये सब हुआ सोचने में आता नहीं हुआ, और एकदम डिसाइड की कि नहीं मुझे निकलना है, जहाँ नहीं तो सर मेरे लाइफ तक तो ये मिलता रहता, इतना तो मुझे विश्वास था। लेकिन मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता था, मैं बच्चों को एक अच्छी लाइफ देनी चाहती हूँ। बच्चे मेरे बहुत बड़े नहीं है, नायला 18 साल की, उसके बाद ही 2 बच्चे और हैं। मेरी बेटी के स्कूल में इनके पापा सिस्टर से प्रेजेंटेशन में जाती हैं, वहाँ पे बात करके आए थे सिस्टर से कि मुझे कुछ बच्चों को डोनेट पैसे डोनेट करना है, क्योंकि उनकी स्कूल